नागरिक को पब्लिक राइट मिला हुआ है, जैसे कि कुएं का उपयोग करना, सार्वजनिक रोड का इस्तेमाल करना, सार्वजनिक बगीचे का इस्तेमाल करना, ये सब जो पब्लिक राइट हैं, अगर उस पब्लिक राइट को कोई दूसरा व्यक्ति बाधित करता है, रोकता है, डिस्टर्ब करता है, तो उसको पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। और अगर कोई पड़ोसी आपके घर के सामने में कचरा फेंकता है या हड्डी डाल देता है या लैट्रिन डाल देता है या घर के सामने में बेतरतीब बाढ़ से गाड़ी खड़ा कर देता है जिससे कि आपको आने जाने में असुविधा होती है, या घर के सामने में गिट्टी रख देता है या बिल्डिंग मटेरियल रख देता है, तो ये सब सारी बातें सार्वजनिक उपद्रव की कैटेगरी में आएगा। और इसके लिए धारा 268 से लेकर के 290 में पेनल सेक्शन लगा हुआ है। आप थाना जा सकते हैं और थाना जाकर के उस गलती कुनंदा व्यक्ति के खिलाफ में अपराध कायम करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं, अधिकतम 3 महीने की सजा होती है या अधिकतम 50 रुपये या 100 रुपये के जुर्माना होते हैं, लेकिन फिर भी आपके द्वारा की गई कार्रवाई से सामने वाला निश्चित रूप से हतोत्साहित होता है और फिर दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का कार्रवाई नहीं कर पाता है, तो आपके द्वारा की गई कार्रवाई का एक डिटरेंट इफेक्ट होता है। हमारे देश में इसका चलन बहुत कम है। अमेरिका में सिविल रॉन्ग के मामले में या इस तरह के मामले में, जैसे अभी मैंने पब्लिक न्यूसेंस की बात किया, तो लोग बहुत ज्यादा सजग हैं और तुरंत मुकदमा कायम कर देते हैं। हमारे देश में अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं। लोग अगल बगल शिकवा शिकायत तो करते हैं लेकिन कानूनी उपाय नहीं सोचते हैं, जिसके कारण से गलती कुनिंदा का हौसला बुलंद हो जाता है। तो हमें गलती कुनिंदा व्यक्ति जो कि सार्वजनिक उपद्रव करता है, आपको तंग आने, परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करता है, तो आप उसके खिलाफ में अपने नजदीकी थाने में रपट लिखवाएं और आपके रपट पर थाना प्रभारी द्वारा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इससे भी आसान रास्ता है 34 पुलिस एक्ट, लेकिन आपको यह देखना होगा कि किस किस शहर में राज्य शासन के द्वारा 34 पुलिस एक्ट लागू किया गया है, क्योंकि अगर उस शहर में 34 पुलिस एक्ट लागू नहीं किया गया है तो इस एक्ट के तहत में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो जैसे कि इंदौर शहर है या भोपाल या ग्वालियर या जबलपुर, ये बड़े बड़े जो शहर हैं, वहां पर 34 पुलिस एक्ट लागू है और यहां पर पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि बिना वारंट उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा जो व्यक्ति सार्वजनिक रास्ता को अवरुद्ध करता है, उस पर मिट्टी डाल देता है, उस पर गिट्टी डाल देता है, लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।